नहीं भाई जो एक ही था वहां पे। अरे भाई वही छे वही फूटा। कि जो है सिलेंडर में आग लग गई बोल के, तो मैं आके देखे तक बिल्कुल सिलेंडर का जो ऊपर नॉब रहता वहाँ से पूरे फ्लेम्स निकल रहे थे। हम लोग काफ़ी सारी कोशिश करें मिट्टी से और पानी से बुझाने की, तकरीबन 15-20 मिनट तक कोशिश करे। उसी दौरान फ़ोन भी करे थे फायर ब्रिगेड वालों को। इत्तेफाक से हमारे पड़ोसी के पास जो एक फायर एक्सटिंग्विशर था वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास था। उन्होंने लाने के बाद जो है मैं पर्सनली उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से उसको आग बुझा दिया, लेकिन जब तक जो है काफ़ी नुकसान हो गया था पूरा। हम लोग का जो है घर हॉल रूम एसी वगैरह काफ़ी नुकसान हो गया हमारे घर में। ये किस तरीके से लीक है, ये यानी पाइप का कुछ फॉल्ट था या तो फिर गैस में से कुछ लीक हुआ? ये मैं खुद भी ये कोर्स करा हुआ हूँ फायर एंड सेफ्टी का। मैं हर थोड़े दिन को चेक करते रहता हूँ मेरा पाइप और रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये जो है अभी हम सिलेंडर लगाए, आज ही लगाए थे थोड़ी देर पहले, ऐसा हम लोग गैस सिल गए और बिल्कुल जो है सिलेंडर से लीकेज होना शुरू हो गया। लगाया होगा वो चेक करा बोल के, तो हमारा गैस का चूल्हा सिल गया। अगर लीकेज रहता था तो गैस जो है हमारे स्टफ तक आती नहीं थी। जी ये रेगुलेटर में से हुई है पाइप में से? रेगुलेटर नीचे से जो है वो रेगुलेटर और गैस जहाँ कनेक्ट होता वहाँ से आग निकल रही थी। पाइप तो जो है बिल्कुल नया था और ISI मार्क का देख के लेता हूँ मैं हर बार, और अभी भी वैसे ही करा था, लेकिन वो जो है सिलेंडर के लीकेज की वजह से इतना नुकसान हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अभी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दानिश 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 तेरा काम वाली कर लो भाई, आ रही कैसे ले लेके आ रहा हूँ मैं। अभी इधर लो माइक्रो में लीजिए। अरे वो बोलो ना समीर खैर का बोलना भाई। दानिश हाँ सरोड़ा, अरे आमिर आमिर भाई। हाँ भैया ले लिए भैया फोटो ले लिए। अभी हॉल के ले लो उससे अच्छा। बाहर है सिलेंडर, बाहर है सिलेंडर, बाहर ही है ना।